तो हे देयर गाइस, कैसे हो तुम सब। तो बेसिकली यार, मुझे कुछ लेना था सामान मोती झील से। तो मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ एंड चलते बनता हूँ। लेकिन यार, क्योंकि मेढक ने मूत दिया था तो इतना ज़्यादा पानी लग गया था। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी बारिश हुई थी, मेढक ने मूता नहीं था। लेकिन हाँ, लिटरली वो डायलॉग नहीं है, मेढक मूत देता है तो पानी लग जाता है, तो वो वाला डायलॉग लागू होता है हमारे एरिया में। तो यार, लिटरली यही वाला सीन था। बाय द वे, बेयर ग्रिल्स को मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, तुम अमेजोन मत जाया करो, तुम आ जाया करो हमारे एरिया में। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, मुझे बस एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। क्योंकि यार लिटरली यहाँ पे इतने खतरनाक खतरनाक तुम्हें पेड़ पौधे और सीन्स देखने को मिलेंगे, और पानी तो यार तुम्हारे घुटने तक है, उससे कम तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यार, क्योंकि अब मैं मोती झील जा रहा था तो यार जाम लगा हुआ था, तो यार जाम छोड़ नहीं रहा था। तो यार मैं वापस आता हूँ एंड बाइक से जाता हूँ। अब मुझे लगा यार बाइक से जाना सेफ रहेगा, क्योंकि मोती झील मेन टाउन एरिया, पानी नहीं होगा। लेकिन मैं गलत था यार, मोती झील में तो और ज़्यादा पानी था। तो यार मेरा सरकार से थोड़ी सी एक निवेदन है कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस सब चीज़ों पे। थोड़ी सी बारिश होती है तो इतना पानी लग जाता है, और ऐसा नहीं है कि आसाम में बाढ़ आया हुआ है उसकी वजह से बिहार में भी बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है। नहीं, हर साल का है, पहली बार का नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई, घर में आया तो अब मुझे मन कर रहा था चुल्लू भर पानी में डूबने का, तो मैंने निकाला पानी और चुक।